प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा बजट कम देखने को मिलता है। लोगों ने इसको इंटरप्रेट किस तरीके से किया होगा, ऐसा बजट कम देखने को मिलता है क्यों? क्योंकि इतना सकारात्मक है, या ऐसा बजट कम देखने को मिलता है मिडिल क्लास टैक्स पेयर ने भी यही कहा होगा। असल में देश के हर शख्स ने एक सपना देखा था, एक ख्वाब पाला था, एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि जब आम बजट आएगा, पिटारा खुलेगा तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा कोरोना के मार के बाद। मगर ये बजट भी थोड़ी खुशी और थोड़ा गम देकर गया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज के हमारे बेहद खास शो नए भारत के बजट में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों ने मोदी सरकार पर विश्वास किया था कि पिछले 7 साल में इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं आए, इस बार होगा, क्योंकि कोरोना काल में मिडिल क्लास ने बहुत कुछ खोया है। पर हाथ लगी ना उम्मीदी, इसी बजट को शेयर बाजार ने सलाम किया, रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दी, 24 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा। आज हम आपको बताएंगे बजट पर विपक्ष कैसे हमलावर है, हम आपको समझाएंगे किन सेक्टर्स में खुशी है और किन सेक्टर्स में मायूसी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देख लीजिए। बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है, स्मृति ईरानी ने कहा है। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। सुनिए। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, आज के जो बजट को किस रूप में आप लेती हैं, इस बजट को कितना जनपरक मानती हैं? चुनौतियों की परिस्थितियों से भारत को उभार कर आत्मनिर्भर भारत के प्रति समर्पित आज का ये बजट रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कोविड ने जब हमारे देश पर दस्तक दी, तब कई लोग चिंतित थे कि हिंदुस्तान में कहीं गरीब भूखा तो नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक का मुफ्त राशन मिला, 22 करोड़ महिलाओं को 30,000 करोड़ सीधा उनके बैंक के खाते में मिला, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज हमारे देश में घोषित हुए। आज का ये बजट उस सूक्ष्म दृष्टि से ना देखा जाए कि मात्र एक सीमित बजट है, एक सीमित कार्यकाल के लिए है। सतत सरकार ने अपने कर्मठ प्रधानमंत्री के माध्यम से देश के हर चुनौती का सामना करने के लिए देश का वो सहारा बने। आज बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, विशेष उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी, 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन विशेष, ताकि जल जीवन मिशन को हम शहरी इलाके में सफल देख सकें, पोषण की दृष्टि से एक नया हम आसमान छू सकें। और हमको ये लगता है कि जब आम आदमी बीमारी की चपेट में आता है तो सबसे पहले जिला में अपनी व्यवस्थाएं ढूंढता है, तो आज क्रिटिकल केयर हॉस्पिटलाइजेशन लैब का नेटवर्क जिलावार स्थापित करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है वो भी अभिनंदनीय है। आपके मंत्रालय में भी आज बहुत 2-3 घोषणाएं हुई हैं, उसमें खास करके 7 इंडस्ट्री को स्टार्ट करने की बात हुई। आपको लगता है कि इसमें और संभावना बढ़ेगी आपके मंत्रालय में? हमारे मंत्रालय, विशेषतः जो कपड़ा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि जब यूपीए की सरकार थी तो इस पूरे मंत्रालय की कई वर्षों तक अनदेखी रही, 10 साल का कष्ट इस मंत्रालय और इस पूरे क्षेत्र ने झेला। एग्रीकल्चर के बाद 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी टेक्सटाइल सेक्टर में है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 6,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। हाल ही में कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 10,000 करोड़ की विशेषता टेक्सटाइल के लिए, मैनमेड फाइबर के लिए घोषित की। और आज जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो टेक्सटाइल की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हैं, जिसमें हम लोग हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री कैपेसिटी है और जो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब का इसमें समावेश देखेंगे। और यहाँ आपने देखा, ये कहा गया कि टेक्सटाइल सेक्टर को और मजबूती दी जाने वाली है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्टर कपड़ों का चीन है, और उसके बाद कौन है? बांग्लादेश। चर्चा करेंगे इस पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, रत्नेश्वर प्रसाद, पूर्व चेयरमैन CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हमारे साथ चर्चा में हैं, सौरव अग्रवाल प्रोफेसर हैं CCMS, कॉमर्स फॉर कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, प्रोफेसर बेजान मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहले तो मैं यही समझ लूं कि रोहन, जो ये कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत का बजट है और इसको सूक्ष्म दृष्टि से ना देखा जाए बल्कि ये समझा जाए कि बीच में राहत पैकेजेस दिए गए हैं, मिनी बजट बीच में भी पेश किए गए हैं, होलिस्टिकली आप कैसे देखते हैं अगर उन 3 और इसको 1 मिला दिया जाए तो? मुझे लगता है जो आत्मनिर्भर की बात है, हमारा मध्यम वर्ग और हमारा गरीब,
कोरोना काल से पहले ही आत्मनिर्भर था, सरकार के द्वारा कोई ना उसको कोई साथ दिया गया ना उसको कोई उसको फायदा पहुंचाया गया, इसलिए आत्मनिर्भर भारत तो कब से बन चुका है। देखिए बड़ी उम्मीदें थी जिस प्रकार से एक एडवर्टीजमेंट एक कैंपेन किया जा रहा था कि ये 100 साल में नहीं होगा ऐसा बजट होगा, पर आज जब बजट खुला तब देखा कि खुदा पार निकली चुहिया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें। आप देखेंगे कि दो बड़ी चीजें, डिफेंस की हमने बात की थी 28 तारीख को, कांग्रेस पार्टी ने 10 सजेशन दिए थे, डिफेंस का बजट वो का वही है। जब चाइना हमारी जमीन में घुसा हुआ है तब डिफेंस का बजट वो का होने मुझे लगता है बहुत बड़ी विफलता होगी सरकार की। दूसरी बात, ये सरकार ने बहुत बड़ा मार्केटिंग किया हेल्थ बजट का। अगर डिटेल में अभी हमारे चिदंबरम जी ने बताया कि कुछ नहीं किया, हेल्थ बजट लास्ट टाइम से भी कम है, और जो बजट अलोकेट किया गया हो वो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की बात हो या सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट का अलोकेशन है, सबके मिला के एक अमाउंट बताया गया और बताया गया कि 137% का इंक्रीज है। तो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का जो एक पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, और हकीकत में हम देखेंगे तो भाजपा का साथ और सुटबुट का विकास, बेचो और सरकार चलाओ, बेचो और राज करो, यही है पूरे बजट का एक ही सिद्धांत है कि हम लोग ने जो 70 साल में पूरे देश ने इकट्ठे करके मेहनत करके इकट्ठा किया, आज ये सरकार ये बेचने पे तुली हुई है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह विफल रही है, अपने बजट को मैनेज नहीं कर पाई है। हमारी जो पूंजी है जो हमारे पूरे सालों से हर पार्टी ने इकट्ठे होकर बनाई है, सारी पूंजी को बेचने का ये ठीक है। 70 साल में जो कमाया वो गंवाया जा रहा है, इंडिया इज ऑन सेल गोपाल जी। 8 साल में कमाया, 7 साल में गवाया, 8 साल में कमाया, 7 साल में गवाया, एवरीथिंग इज ऑन सेल। गोपाल जी, बिकाऊ सरकार, गोपाल जी से सवाल किया है मैंने सर, एक सेकंड। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अगर आप देखें, जिसको ये कह रहे हैं बेचो देश को वो बात है, तो वह पिछली बार से भी कम है। 1,13,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, उसमें भी LIC को IPO के थ्रू किया जाएगा, तो कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर को बेचा नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने महत्वपूर्ण काम ये किया कि कोई रिसोर्स क्रंच इतना होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड और हेल्थ स्पेंड एग्रीकल्चर स्पेंड इन सबको कहीं भी कटौती नहीं करी, और बिना किसी टैक्स के बढ़ाने के। ये अपने आप में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने का, उसके कारण बॉकडाउन ना करके उसमें आगे बढ़ने का एक रोड मैप है। आप देखिए ना, MSME सेक्टर, टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह के रोड्स बन रहे हैं, एयरवेज एयर फ्रेट कॉरिडोर सब चीजों से। तो आपने ये कहा कि कंस्ट्रेंट को हमने अपॉर्चुनिटी में बदला और उसको आड़े नहीं आने दिया देश के विकास में, लेकिन मैं इस पर आगे कुछ और सवाल उठाऊंगा। पहले आपको ये अहम खबर बता दूं, कांग्रेस का मोदी सरकार पर एक और बड़ा आरोप है, मोदी के देश नहीं बिकने दूंगा की तंज पर कहा है कि देश नहीं बचने दूंगा। सरकार बना रही है अनर्थ नीतियां, अर्थ नीतियां नहीं, अनर्थ नीतियां, अनर्थ नीतियों से सरकारी कर्ज बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा सरकार सब कुछ बेच देगी, अभी इसी बात के बारे में कहा जा रहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, विनिवेश किया जा रहा है, लेकिन उधर कांग्रेस ये कह रही है कि 70 सालों में हमने जिन जगहों को बनाया था विनिवेश के नाम पर उन सबको बेचा जा रहा है। लेकिन जरा इसको बेजॉन जी से समझे, बेजॉन जी जरा इस पे मुझको एक इंसाइट क्विकली चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट कितना बेचने की श्रेणी में नहीं समझा जाएगा, समझा जाएगा कि इससे रुपया जुटाया जा रहा है ताकि FD को कंट्रोल, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा जाए, या कहां पर यह समझा जाएगा कि वाकई इन इंस्टीट्यूशन को बेचा जा रहा है जिनको इतनी मेहनत से बनाया गया। नहीं, बिल्कुल कुछ बेचा नहीं जा रहा है, हमारा संपत्ति है, हमारा संपत्ति का आज एक वैल्यू बना है, जिस वैल्यू को लेकर हम अब डिसइन्वेस्ट करके उसको, उस संपत्ति का जो रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा करके हम दूसरे जगह पे निवेश करना चाह रहे हैं। जैसे हम पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, हम रेलवेज को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, तो ये सारे पैसे जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो हमारे संपत्ति, आपका और हमारे संपत्ति, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एक कोई भी। तो आपने कहा कि हमारी संपत्ति है, हमको लग रहा है कि इस संपत्ति से ही कुछ निकालकर हमको दूसरी जगह पे क्रिएशन के लिए लगाना चाहिए। सौरभ अग्रवाल, आप यही समझते हैं क्या? जहां पर हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। सर आता हूं मैं, सौरभ अग्रवाल। मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट की बिना चिंता किए आगे बढ़ी है, और डिसइन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बेचना नहीं है, ये तो मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स है। सरकार के पास पैसा होगा
तभी तो जो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस देश में आज की में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको वो डील कर पाएगी। पैसा तो चाहिए, ग्रोथ अपने आप नहीं आएगी, ग्रोथ आने के लिए लैंड चाहिए, पैसा चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन लेबर। ठीक है, आपके इस बात पर मैं जाता हूँ, एक बार फिर से रोहन के पास जाकर बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। मोनिटाइजेशन ऑफ द एसेट्स है ये, डिसइन्वेस्टमेंट, इसको बेचना मत कहिए रोहन गुप्ता। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो कभी कोई सरकार ने नहीं किया, 19 लाख करोड़ जो पेट्रोलियम जो हमारी जो है उसके ऊपर एक्साइज और अलग अलग टैक्स। रोहन जी आपका जवाब मैं लूंगा, आपका जवाब मैं पूरा लेता हूं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं प्रहलाद पटेल, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, मेरे साथ बजट पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए। प्रहलाद जी बहुत स्वागत करता हूं आपका, दिनेश गौतम बोल रहा हूं। हाँ दिनेश जी, आपका नाम पता चल गया मुझे जी। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बजट को दो तरीकों से देखा जा रहा है, एक तो ये जो सरकार कह रही है और सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला, उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट है, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं दिया गया। एक तरीके से वो दिखाने की कोशिश की जा रही है जो है नहीं, मसलन स्वास्थ्य पर धोखा देने की कोशिश है, शिक्षा पर 6% का प्रॉमिस किया था वो हुआ नहीं, टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं। मुझे लगता है मैंने ट्वीट किया था कि आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत का बजट, लेकिन जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री के बैकअप को देखा तो मैं इसे पर्यटन हितैषी बजट मानता हूं। सबको पता है, जो लोग आलोचना कर रहे हैं मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं इसे पर्यटन हितैषी बजट मानता हूं। जब मैंने अपना बैकअप देखा तो उसमें प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाएँ दो ही पर्यटन मंत्रालय के पास थी, वो जस की तस है, और उसके अलावा आइकनिक साइट्स को की एक स्कीम को हमको पैसा दिया गया है बजट के भीतर। दूसरी बात होती है कि जो हम लोग सोचते थे कि छोटे डेस्टिनेशन को हम प्रचारित करें, उस पब्लिसिटी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको बजट पर प्रावधान दिया गया है। तीसरी बात मुझे लगती है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वेल्थ और वेलनेस के लिए ये बजट है, तो मैं वेलनेस टूरिज्म की बात इसमें देखता हूँ, क्योंकि मैं पहले से कहता रहा हूँ, आज नहीं, कि पोस्ट कोरोना अगर किसी के पास में कोई जवाब है तो वो भारत की धरती के पास है, चाहे योग हो, चाहे आयुष हो, चाहे आयुर्वेद हो, लेकिन वेलनेस सेंटर की कमी दिखती थी। इस बजट में हजारों की संख्या में वेलनेस सेंटर बनाने की बात की गई है। चौथी बात होती है जो पर्यटन के क्षेत्र में जो बिंदु हैं वो हैं कनेक्टिविटी के। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है मैं उन्हें टूरिज्म हाईवे मानता हूँ। आप रेलवे में देखिए, LVS कोच की बात की गई है, वो पर्यटन के लिए है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय स्टेक होल्डर्स से चलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। भारत सरकार ने उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक प्लेटफॉर्म की रचना की है, ठीक है, ताकि उनकी हाउसिंग का, उनके हेल्थ। प्रहलाद जी, एक सहज कौतूहल जहन में ये आता है, आप लोगों ने वाकई पर्यटन के लिए ये जो किया कि छोटे डेस्टिनेशंस को भी कैसे लोगों के बीच में चर्चा में लाया जाए, वहाँ लोग पहुँचे। एक बात बताइए, जैसे विस्टा डोम होगा, ट्रेन में बैठे हुए चारों तरफ का नज़ारा दिखेगा, वो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में ट्रेन को दिया जा रहा है, डीजल की कीमत जिस तरीके से बढ़ाई गई, आपको लगता है कि एक आम आदमी जो पर्यटन के लिए निकलना चाहता है उसकी पॉकेट ये अलाउ करेगी कि जाए और जगह उस जगह पर देखे? मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम कहाँ से धन इकट्ठा करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, ये किसी को छुपाया नहीं है, देश के सामने कहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि संसाधनों की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर आपको चीज़ों को खड़ा करना है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम हर चीज़ों को इस दृष्टि से देखें। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, जो आज सरकार करने का फैसला कर रही है ये बड़े फैसले हैं और दूरगामी फैसले हैं। वेलनेस टूरिज्म की भी आपने बात की, अब सवाल ये है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स और ट्रेन्स वैसी बनाई जा रही हैं, उन जगहों पर भी हवाई पट्टियों की बात की जा रही है जहां पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतनी जल्दी इरेक्ट किया जा सकेगा कि इनको सबको अकोमोडेट करने के लिए तैयारियाँ व्यवस्था हो पहले से? नहीं, मुझे लगता है यही बात मैंने आपसे पहले कही थी कि वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह है एशिया महाद्वीप में, लोग आते हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर की कमी हम सबको दिखती थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वेलनेस सेंटर खुलेंगे ये शायद बहुत लंबा प्लान है, आगे तक की सोच की हुई रणनीति का हिस्सा है, यही बात मैंने आपसे कही थी। दूसरी बात, जो आप बात कह रहे हैं, हमारे पास में हवाई पट्टियाँ हैं,
लेकिन अथॉरिटी को कहा गया है कि लोग उनको बेहतर तरीके से और देखकर उनकी तैयारी करें। हवाई पट्टियां हैं लेकिन वो ऑपरेटिव हों, उनकी कनेक्टिविटी हो, गैप फंडिंग उनमें हो जाए, ये बात कही गई है जी। अब सवाल यही है कि इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च करने के साथ आपको ये देखना है कि एक साल में आप 9.5 से 6.8 ले आए फिस्कल डेफिसिट को, ये अचीवेबल है? नहीं, मुझे लगता है कि सच कहने में क्या बुराई है। सच्चाई वित्त मंत्री ने भी कहा कि छुपाने जैसा कुछ नहीं है, कमजोरियां और चुनौतियां सामने देखकर हम अपने फैसले ले रहे हैं और जो सही दिशा में ले रहे हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई गलत है। एक आखिरी सवाल ये प्रहलाद जी की, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कुछ राहत मिलती तो उसके लिए खर्च के लिए बचाने वाला कुछ पैसा और होता जिसको वो खर्च करता, टूरिस्ट प्लेस में जाता। अब वो जब बस पकड़ेगा तो उसमें ये डीजल पे जो 4 रुपए बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल पे 2.5 रुपए, अब ये कंपनियां आप जानते हैं बाजार के हवाले हैं, तो ये कितनी राहत देंगी कंज्यूमर्स को इसका अंदाजा आपको होगा। उधर किराया बढ़ जाएगा, उनके पास पहले से पैसे नहीं है, और फिर जहां पर वो जा रहे हैं वो जाहिर है उन ट्रेनों से और बसेस से पहुंचेंगे जो अब लग्जरी होंगी, उनके लिए ज्यादा पैसा देना है, ये कैसे होगा? आज से मुझे लगता है ये चिंता नहीं करें। पहले बीमा के बारे में भी ये कहा जाता था, लेकिन बीमा के बारे में जिस प्रकार से बजट में साफ गोई के साथ बात कही गई तो लोग टिप्पणी नहीं कर पा रहे, वरना इसी पर भी आलोचना करते थे। तो मुझे लगता है कि इससे भविष्य के बारे में ऐसी आशंकाएं नहीं रखनी चाहिए, सरकार उस बात को ध्यान में रखकर ही फैसले ले रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये जो बात कही गई, अब मैं उस पर चलता हूँ। हमारे साथ सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के एक्स चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। अब जरा ये समझा जाए कि क्या टैक्स पर राहत सीधे सीधे ना देकर मिडिल क्लास को, क्या ऐसा कोई विशेष बात नहीं हो गई है, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा? और मिडिल क्लास क्या इसलिए इसके ऊपर उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता कि एक प्रेशर ग्रुप नहीं है? मसलन किसान एक ग्रुप के तौर पर दिखाई देता है, मजदूरों को, गांव में रहने वालों को भी आप एक ग्रुप के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रेशर ग्रुप नहीं है और इसलिए उनको राहत नहीं मिल पाती है? जरा ये भी रत्नेश्वर प्रसाद जी से समझने की कोशिश करता हूं। सर, मिडिल क्लास प्रेशर ग्रुप नहीं है, वो प्रेशर नहीं लगा सकती है, लेकिन क्या है कि मिडिल क्लास को इस बार टैक्स नहीं लगाया गया। इनफैक्ट कुछ सुविधा उनको इस संशोधन में कुछ सुविधा भी उनको दिया गया है, जैसे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा जल्दी, और फिर आईटीआईटी में जो हियरिंग होगा वो कंप्यूटर से होगा, नेट से होगा, तो इस तरह की सुविधा दी गई, टैक्स कोई नहीं लगाया गया उनके ऊपर। और नहीं, ये सुविधाएं ठीक है, मतलब ये कॉन्सोलेशन प्राइस समझा जाए क्या मिडिल क्लास के लिए, ये मैं आपसे आगे समझूंगा, लेकिन फिलहाल चलता हूं फिर से रोहन गुप्ता के पास। रोहन गुप्ता, इस तरीके की चैलेंजेस के सामने जब कोविड से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमराई हुई है, हिंदुस्तान उनमें से एक है, क्या आपको ये नहीं लगता ये रस्म बन गई है क्या कि जब बजट पेश किया जाएगा तो ओपोजिशन में जो भी हो विरोध करेगा, कहेगा ये लोगों के लिए ठीक बजट नहीं है? नहीं दिनेश जी, देखिए अगर आप बजट के सारे प्रावधान देखेंगे, मुझे एक साल गिना दीजिए रोहन, एक बार बता दीजिए जब आप सत्ता में रहे हो बीजेपी ने कहा हो क्या कमाल का बजट है, या अभी जब बीजेपी सत्ता में हो तो आपने कहा हो कि भाई इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता था? देखिए दिनेश जी, हमारे बोलने से आपके बोलने से नहीं है, पूरे देश की जनता देख रही है। मुझे बताइए कि यहाँ पे गरीब आदमी के लिए क्या है? क्या इनकम टैक्स के रेट में कोई चेंज किया गया? क्या पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी कम की गई? क्या जीएसटी कम किया गया एसेंशियल चीजों पे? या क्या सैलरीड क्लास के लिए कोई अलाउंसेस दिए गए जो कोरोना से परेशान है, जिसने अपनी नौकरियां गंवाई है? मुझे बताइए कि एजुकेशन अलाउंस में कहीं पे इंक्रीज हुआ? जो हेल्थ केयर बजट की सरकार ढोल पीट रही है, अगर आप उसको रियल टर्म में देखेंगे उसमें भी इंक्रीज नहीं किया। तो ये बात मेरी बोलने की नहीं है, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो ये सरकार का सिर्फ एक ही जो वो है कि किस भी प्रकार के देश की संपत्ति से बेच के, और ये आउटले की बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो कंडीशन है। मेन सवाल यहाँ पर ये है सर कि इस इकोनॉमी को एक फिलिप दिए जाने की जरूरत है, इस इकोनॉमी को एक इम्पेटस दिए जाने की जरूरत है। बेजॉन सर, कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी में जब हम हैं अभी, क्या कंज्यूमर खुश है? क्या वो खर्च करेगा? क्या वो उससे पैसे बाजार में जाएंगे और इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी? देखिए, जो पेंडेमिक सिचुएशन रहा जिसमें इतने अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अब सरकार का केवल एक ही फोकस था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके रोजगार दिलाएं लोगों को। तो अब लोगों में एक 25,000 करोड़ जो वैक्सीन के लिए रख दिया गया, अब हर एक व्यक्ति को वो वापस ले जाना चाहते हैं नॉर्मलसी में वैक्सीन दिलाकर, ताकि वो काम में लगे, काम में जुट जाए और इकोनॉमी फिर से बूमरैंग, मतलब सही ढंग से बूम करें। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि
इकोनॉमी को पुश देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट का कहा गया है उससे प्राइमरी हेल्थ केयर, वेलनेस सेंटर्स, ये सारी चीजों को लेकर 74% प्राइवेट हेल्थ केयर पे डिपेंडेंट थे। आपने बेजान सर इस बजट से एक अहम बात कह दी, हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन इतना ही अंतर होता है बूमरैंग में और बूम करने में। अगर थोड़ा सा संभाल लिया जाए तो बूम कर जाता है मामला, वरना बूमरैंग कर जाता है। एक अहम खबर मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार के बजट पर आम आदमी पार्टी का भी अटैक है। केजरीवाल की पार्टी ने देश बेचने वाला बजट बताया है। शिक्षा पर 6,000 करोड़ रुपए कम क्यों है, सिसोदिया ने बताया है। चंद पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद बजट है, केजरीवाल ने कहा। चार पूंजीपति मित्रों के लिए मोदी का बजट, संजय सिंह ने बताया। गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, क्यों 6% जीडीपी का कहा गया था शिक्षा पर, क्या यह कोरोना वाला बजट इसलिए नहीं हो पाया? सर आपका माइक ऑफ है, सर आपका माइक ऑफ है। गोपाल जी आप बोलिए। हर बार बजट का मतलब होता है कि जो सरकार के पास रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली यूज करते कर सकती है कि नहीं, सरकार ने किया कि नहीं, इस बात से एनालिसिस करते हैं। 34,00,000 करोड़ का बजट है, उसमें से डेफिसिट 9.5% का डेफिसिट है, उसको बिना चिंता किए बोरोइंग के साथ सपोर्ट में हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत अभी उसकी थी, उसमें सरकार ने किया है। 50,000 करोड़ का R&D पे और अलग चीजों में सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप देखें 15 फाइनेंस कमीशन को भी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। आज आप कोविड की त्रासदी क्यों इतनी भयंकर इस तरह से हुई कि मार्च में हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नगण्य था, जीरो था। 70 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत ये था कि हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, और आज हम 2 वैक्सीनेशन बना रहे हैं, पूरे विश्व को भी कई जगह दे रहे हैं, 2 और वैक्सीनेशन पाइपलाइन में है, और पूरा विश्व इस बात को एग्री कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी हेल्थ को केवल सफिशियंटली अच्छी तरह से डील किया कोरोना की त्रासदी को, बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत तेज किया। चलिए तो कोरोना जैसे अप्रत्याशित संकट के बीच में इससे बढ़िया तरीके से निपटा नहीं जा सकता था। रोहन आपके पास मैं आता हूं, क्या सवाल मैं जानूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जाने वाला हूं हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल के पास। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूं, ये है वो नई इंफॉर्मेशन, नए भारत का बजट, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पायरिंग इंडिया। और यहां पर देखिए नए भारत के बजट में ये कैसा बजट रहा, यह समझने के लिए इन सेलियंट फीचर्स पर जरा निगाह डालिए। निर्मल बजट 2021 क्या हुआ इसमें? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, यह एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरा, अफोर्डेबल होम्स के लिए 1.50 लाख, 1,50,000 की जो छूट है 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। ऑटो इंडस्ट्री स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत बहुत बड़ी राहत दी गई है। सरकारी बैंक और एयर इंडिया को बेचा जाएगा। BPCL में अगले साल विनिवेश होगा, और इसी साल LIC का IPO भी लाया जाने वाला है। सरकारी बैंक को खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को लाया जा सके जितना मैक्सिमम लाया जा सकता है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की बात भी की जा रही है। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% तक ले जाया गया है। रेलवे, सड़क, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के लिए सरकार ने खजाना खोलने का काम किया है, क्योंकि इन जगहों पर अगर इम्पेटस आएगा, अगर इन पर बढ़ाया जाएगा तो कहा यह जा रहा है कि रोजगार श्रवण भी होगा। लेकिन उससे पहले आप यह भी देख लीजिए कि मिडिल क्लास को सीताराम कर दिया गया है। नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को आम बजट से नाउम्मीदी हासिल हुई है। इनकम टैक्स स्लैब जस का तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 2014 में आखिरी बार मिडिल क्लास के लिए कोई राहत हुई थी, जब 2.5 लाख तक स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया था, और 1,00,000 से 1,50,000 तक की ATC वाली राहत मिली थी। आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल के बुजुर्गों को राहत यह मिली है कि उनकी पेंशन और पेंशन पर इंटरेस्ट से जो आमदनी होगी उस पर उनको कोई रिटर्न दाखिल नहीं करना है, और इसके अलावा जो आय हो रही होगी उसमें उनको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। 75 साल के सीनियर सिटीजन्स को IT रिटर्न भरने से
छूट इस तरीके से मिल रही है कि बैंकों को जो टीडीएस काटना है वो काट लेंगे, लेकिन इनको इधर से रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। अब जरा देखिए, एक ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सड़कें तो बनाई जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर हर दिन के हिसाब से जो एक तरीके से एम्बिशियस लक्ष्य है वो भी हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जहां चुनाव होने हैं वहीं पर सड़कें बन रही हैं। देखिए, तमिलनाडु 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव है, 675 किलोमीटर लंबे हाईवे की घोषणा हुई है, हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। असम 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा, 3 साल में 34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या चुनावी राज्य में सरकारी काज ज्यादा दिखाई दे रहा है? आइए इसे शुरुआत करें। गोपाल कृष्ण जी, क्या चुनाव वाली जगहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा चुनाव तक? नहीं, देखिए, जब जिस जगह आवश्यकता है, दक्षिण भारत के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनको बनाने की आवश्यकता है, उन जगहों पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर आप देखें आसाम को, पश्चिम बंगाल को, यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स को लेके, रेलवे को लेके, वह कम है। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो जो फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर जगहों पे काफी बन चुके हैं, तो उस हिसाब से सरकार इसको बाइफरकेट करके एलोकेट करती है। अगर सरकार ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर डे का रोड्स बनाई है तो वह तो नॉर्थ इंडिया और इधर के स्टेट्स में बने थे। अब अगर तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु के लोगों की आवश्यकता है उसको, रोड्स को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बनने की जरूरत है, उसको सरकार ने, आप कह रहे हैं निगाहों की गलती है, नजारे में कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं इधर जरा सौरभ के पास आऊं, सौरभ मेरे को ये समझाइए, ये टाइट रोप वॉक हमेशा सरकार के सामने होती है। आता हूं रोहन, आता हूं आपके पास, सौरभ से उतनी बात नहीं हो पाई है, मैं आपके पास आता हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाए बगैर इकोनॉमी को आप कैसे गति देंगे, दूसरी तरफ आपको जाहिर है फिस्कल डेफिसिट को भी काबू में लाना है, रेटिंग्स की भी चिंता करनी है, सरकार ये ठीक कर रही है क्या? मेरे हिसाब से सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। और सरकार की जो हाईलाइट है ना, हमें थोड़ा सा फेथ रखना होगा, हमने ये सरकार को चुना है। और ये वो बर्ड है, जब अंधेरा होती है वो गाती है और उजाले के बताती है। मतलब अगर जब अमेरिका के अंदर रिसेशन आ रहा था तो उन्होंने रोड बनानी शुरू कर दी, और जिस जिसके पास काम नहीं था उसको रोड बनाने के काम पे लगा दिया। अब अगर जल मिशन, अगर जैसे वो कह रहे हैं कि पानी देंगे सब जगह, उसके ऊपर इतना होगा, हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, अगर सरकार वाकई वो करती है, और जिस तरह से हम बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट की चिंता ना करें। दूसरा, हमने ये भी सरकार को बार बार मैंने रिकमेंड किया, लेकिन इस बार बजट में सुनने को नहीं आया कि 580 बिलियन डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसको हम इस आपदा के समय में जब COVID-19 हमारे पास है, हम आज भी तेल के बारे में सोच रहे हैं, हम तेल ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि तेल को छोड़े और कैसे आज की डेट में सबसे बड़ा जो रोग है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। समझिए, आपका 10% देश खाली बैठा है घर पर। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या इसमें कोई क्लियर कट रोड मैप है क्या सौरभ? बहुत क्विकली, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से अनएम्प्लॉयमेंट से वो निजात मिल जाएगी जो चाहिए? बहुत संक्षेप में बताइएगा। मेरे हिसाब से अगर जितनी खाली खाली पोजीशंस पड़ी हुई हैं वो भरे और उससे गति आएगी प्राइवेट में। पहले सरकार खर्च करती है, फिर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट प्राइवेट सेक्टर में आता है। रियल एस्टेट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटैलिटी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सरकार को इस समय अपने खजाने खोलने होंगे, और जिस जो इस बजट में नजर आ रहा है। लेकिन आपने भी एक बात कह दी और आप पे आरोप लग सकता है, रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था ये कि भरोसा वो चिड़िया होती है जो अंधेरे में भी उजाले के गीत गाती है। आप भी बंगाल के चुनाव ध्यान में रखते हुए लगता है कुछ कह रहे हैं, ये आरोप लगेगा। लेकिन एक अहम खबर आपको बता दूं मैं, चुनावी राज्यों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बंगाल में हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। टीएमसी ने कहा बजट का थीम है बेचो भारत। डेरेक ओब्रायन ने देश बेचने वाला बजट बताया इसे, देश बेचने वाला बजट। केंद्र के सड़क के वादे पर डेरेक ने सवाल उठाए। ममता सरकार ने 2018 में 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, ये भी कहा, अपनी उपलब्धि बताई, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि केंद्र का बजट देश बेचने वाला है और वहां सड़कें बन रही हैं जहां चुनाव की गाड़ी में, चुनाव में जीत की गाड़ी पहुंचानी है। गोपाल जी, नहीं देखिए, वो कुछ भी कहें उन्हें तो स्वागत करना चाहिए, कम से कम ममता जी को 25,000 करोड़ की सौगात मिली है,
और 25,000 करोड़ की सौगात मिली है तो उसको स्वागत करना चाहिए। वो तो सरकार की केंद्र की योजनाओं को वो किसी भी तरह से, चाहे उनके प्रदेश का भी हित हो तब भी वह उसको क्रिटिसाइज करती है। देखिए, आप इस चीज को इस तरह केवल ना देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट केवल यही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट NIP पाइपलाइन में दिसंबर 2019 में सरकार ने 2,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर किया है। 7,000 से ऊपर योजनाएं ऑलरेडी सरकार दिसंबर में अनाउंस कर चुकी है और उसमें से 217 स्कीम्स ब्राउन शूट यानी बिल्कुल नई स्कीम्स थी दिसंबर में 2019 में लॉन्च की और वह कंप्लीट कर दी है। इतनी तेजी से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उस आप नितिन जी को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, रेलवे को देख लीजिए, जिस तरह से ठीक है डेवलपमेंट इकोनॉमी का कर रही है तो कांग्रेस ठीक है। रोहन रोहन तो रोहन के पास जाता हूँ। रोहन, सरकार अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो जनता के लिए पैसा देने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहां से पैसा आएगा? और बार बार बेवकूफ बनाओ, ये सरकार की नीति अभी जब चिदंबरम जी ने ये राज्यों में बताया, ये आउटले है, ये एक्सपेंडिचर एलोकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि एक साल में कंप्लीट होने वाला नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंकना भाजपा का एक पेशा बन चुका है। दूसरी बात दिनेश जी, हम लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे लॉकडाउन का पीरियड हो या कोरोना का पीरियड हो, कहीं पे भी वर्किंग क्लास को या मिडिल क्लास को कैश बेनिफिट नहीं दिया गया, क्रेडिट बढ़ाने की बात की गई। आज सरकार से अपेक्षा थी कि आज वो मिडिल क्लास को या गरीब वर्ग को कुछ ना कुछ डायरेक्ट या अलाउंस देके कहां पे पुश करेगा, पर पूरी तरह से निराश किया। मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। आज शॉर्ट टर्म में जब लोगों को घाव पड़ा हुआ है, जब लोगों के नहीं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि देखिए 6,000 रुपए हर महीने, 11.5 11.5 करोड़, समझ दीजिए, बात तो सुनिए सर, बात तो सुनिए। किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिलाया गया, ये जो 22 करोड़ महिलाओं को राहत देने की जो बात की जा रही है, इसको आप नहीं गिनते राहत में, फौरन मिलने वाली राहत में? बिल्कुल, देखिए उसमें भी जो अनाज दिया गया, सबको मालूम है कितना प्रतिशत पहुंचा, पीएम किसान निधि 44% डिसबर्समेंट नहीं हुआ। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये जो हमारा मिडिल क्लास है जिसको सैलरी नहीं मिली, जिसको बेचारे की आमदनी खत्म हो गई, उसका क्या कसूर था? बेरोजगारी का दर सबसे हाईएस्ट पहुंच गया, दिसंबर में बेरोजगारी का दर वापस 9% में पहुंच गया। अरे लेकिन मिडिल क्लास की कहीं सुनवाई क्यों नहीं है, मिडिल क्लास की चिंता क्यों नहीं है, ये जरा समझ लें बेजॉन साहब, मिडिल क्लास अब उपेक्षित क्यों महसूस कर रहा है? नहीं, वाकई में एक्चुअली देखिए, हमारे कंट्री में मिडिल क्लास इज द मेजॉरिटी, 40% मिडिल क्लास, 40% मिडिल क्लास को आप यदि देखते हो तो उन लोगों का काफ़ी हद तक बहुत ज़बरदस्त अनुदान है देश का डेवलपमेंट में, तो हम कोई टैक्स नहीं उनके बर्डन पे दिया गया, दैट वही दिखा रहा है कि मिडिल क्लास पे कोई बर्डन नहीं देना चाह रहा है सरकार। इवन दो सरकार के ऊपर कई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आ रहे हैं, कई चीज़ होने का है, तो अब केवल एक ही फोकस रहा सरकार का कि हम मिडिल क्लास को जल्दी से जल्दी कैसे उनका रोजगार दिलाएं, कैसे हम रिफॉर्म्स लाएं लेबर सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कोड लाए हैं, जिस ढंग से वो एक सोशल सिक्योरिटी के जॉन कह रहे हैं कि आपके ऊपर टैक्स का कोई नया बोझ नहीं आया, इसी पर राहत कर लीजिए, टैक्स से अभी छोट और छूट ऊट की उम्मीद मत कीजिए, आप पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, इसी में आप अपने आप को सरकार को थैंक यू बोलिए। इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले बजट को लेकर मोदी सरकार पर नेताओं का तंज। लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम ने पूछा, बजट है या OLX है, बैंक, बीमा, रेल, स्टील सब बेच रही है सरकार, सलीम ने कहा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गैराज मैकेनिक से तुलना की, ब्रेक ठीक नहीं कर पाए तो हॉर्न की आवाज बढ़ा दी। ये गोपाल जी, ये तुलना ठीक है? नहीं, ये तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी चिदंबरम साहब ने 2 दिन पहले, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहीं चिदंबरम साहब ने की थी, उन्होंने कहा था कि सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग की चिंता भी साथ में कर। अरे खर्चा बढ़ा, टैक्स नहीं बढ़ाओगे, खर्चा बढ़ाना चाहिए, तो ये कौन सी ये चिदंबरम इकोनॉमिक्स है? तो अल्टीमेटली इतना कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर कि वह क्या चाहती है, क्या करते है, ये नहीं है। अल्टीमेटली आप देखिए सरकार, तो आपने कहा कि असल में ये कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से स्टेटमेंट आ रहे हैं। रत्नेश्वर जी के पास मैं एक बात को समझने के लिए जाऊंगा। रत्नेश्वर जी, इस समय जो ये कहा जा रहा है कि विनिवेश करके पैसे इसलिए जुटाए जा रहे हैं क्योंकि इसी दिन के लिए विनिवेश की धारणा थी, वो मोनिटाइज किया जाएगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इकॉनमी को फिर से पटरी पर लाए। ये जो दो आरोप लग रहे हैं कि OLX है क्या, सब कुछ बेचा जा रहा है,
ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? ओएलएक्स नहीं है ये, जितने पब्लिक सेक्टर नेटवर्किंग कैसे बना, मिडिल क्लास के पैसा से तो बना है, उन्होंने टैक्स दिया, टैक्स बन के ये पीएसयू बने बड़े बड़े। अब जिस जमाने में पीएसयू बने, जैसे एलआईसी आपका 1957 में बना, उस टाइम कैपिटल मार्केट अपने आप बहुत छोटा था, उसको बनाना सरकार को जरूरी था, सरकार ने बना दिया। आज सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार का बिजनेस करना कोई काम तो है नहीं, तो सरकार को धीरे धीरे ये सब पीएसयू बेच देना चाहिए या उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सरकार को सारी पीएसयू बेच देना चाहिए या प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? और ये सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं, और इन्होंने उस समय भी सर्व किया होगा जब कांग्रेस रूल कर रही थी। रोहन गुप्ता, जवाब। रोहन गुप्ता, आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, रोहन गुप्ता नहीं, मैं बोल सकता हूँ? एक मिनट कहिए, कहिए जब तक रोहन गुप्ता सुन रहा है। रोहन गुप्ता, आवाज आ रही है क्या आपको? ये देखिए, ये बेचना नहीं, आप आ रही है। गोपाल जी, प्लीज प्लीज प्लीज, आ रहा हूँ आपके पास, आपकी बात सुनूंगा। कहा यह जा रहा है, ये सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन है रत्नेश्वर जी, वो ये कह रहे हैं कि ये विनिवेश करके कोई गलत नहीं किया जा रहा, सारी पीएससी उसको आखिरकार बेच दिया जाना चाहिए। देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्या है दिनेश जी, अगर आज सरकारी बैंकों को बेचा जा रहा है, तो अगर अगर सरकारी बैंक बचेंगे ही नहीं, तब सरकार जब कहती है कि हम किसानों के लिए ऋण का प्रावधान करेंगे या हम क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाएंगे, ये रहेगा ही नहीं। एक कॉमन बैलेंस होना चाहिए कि पीएसयू बैंक्स भी हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हो और फॉरेन बैंक्स भी हो। ये सरकार ने जिस तरह से बेचो और राज करो की जो नीति अपनाई है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और जो पैसा, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओएनजीसी की जो नेटवर्क है, इस सरकार के राज में 75% कम हो गई। अब ये नेटवर्क को कम करके अपने सूटबूट के साथियों को बेचकर, गोपाल कृष्ण जी, पहले जो लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थितियां ऐसा पैदा की जाती है कि वो घाटे वाली दिखाई देने लगे और फिर उनको धीरे से निकाल दिया जाता है। नहीं देखिए, अगर ये बात पूछनी है तो कांग्रेस से पूछे कि एयर इंडिया में 62,000 करोड़ का वहां पे लोन कैसे हुआ आज? ये इन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया और एयर इंडिया को बर्बाद किया, वह पूरी चीज देखते हैं। वो बीएसएनएल पूछते हैं आपसे, आप एयर इंडिया पूछते हैं, वो आपसे बीएसएनएल पूछ लेते हैं। दिनेश जी, एक दो बात मैं जरूरी कह दूं यहाँ पे, उसके बाद इसकी बात कि डिसइन्वेस्टमेंट का कितना टारगेट है, 1,55,000 करोड़ का तो टारगेट है, और टोटल बजट कितना है, 34,00,000 करोड़ का। आप क्या मतलब, फिर कुछ तो सोच के बात करनी चाहिए ना कांग्रेसियों ने। चलिए ठीक है, कि 1,55,000 करोड़ में बहुत बहुत संक्षेप में सौरभ आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, कहते हैं जब गहने आपको गिरवी रखने पड़े या गहने आपको निकालने पड़े, मतलब आपके पास वित्तीय संकट है, आपकी हालत ठीक नहीं है, परिवार में यही समझा जाता है, तो देश के हिसाब से जब आपको अपने असेट्स को मोनिटाइज करना पड़े, क्या यह समझा जाए कि वैसी ही हालत हो रही है जैसी एक परिवार में गहने रहन रखते समय होती है? नहीं, ये बहुत ही गलत तुलना है मेरे हिसाब से आपकी। इसमें तो ये है कि पब्लिक असेट जो है वो इस समय कौन होल्ड करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं डिसइन्वेस्ट करके उसे पब्लिक ऑफ इंडिया, सिटीजंस ऑफ इंडिया, मतलब जो आम आदमी है उसको दूंगा। उसको कहां दूंगा, स्टॉक मार्केट में दूंगा। स्टॉक मार्केट में क्यों दूंगा, क्योंकि वो जूम कर रही है तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। ये अच्छी असेट्स भी हैं, ये सरकार की असेट्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, इंडियन सिटीजन। रोहन से मैं जवाब लेता इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पीपल ऑफ इंडिया को जा रहा है, ये सही तुलना है क्या? लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा, मेरे साथ आज आप सब चर्चा में जुड़े। ये नए भारत का बजट है, ये बजट कितना सुहा रहा है विपक्षियों को और सरकार इस पर क्या कह रही है, हम आपको लगातार बता रहे हैं, और सच क्या है ये भी।